हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, इसमें हम लोगों की क्लासेस चल रही है अभिवृत्ति की। इसका मैं आज आपके सामने पार्ट 5 लेकर आई हूं। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लेलिस्ट पूरी वहाँ पर आपको दे रखी है, जो जो हम लोगों ने अभी तक करा दिया, जिस जिस चीज़ की सीरीज चल रही है, पेपर 1, पेपर 4, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ सकते हैं। तो अभिवृत्ति हम लोग शुरू कर रहे थे, जो कि एथिक्स में हमने 4 पार्ट किए थे। इस 4 पार्ट में हमने क्या क्या किए थे, चलिए देखते हैं। हम लोग ये जो यहाँ पर दिया हुआ है अभिवृत्ति, इसमें पहला पार्ट अंतर्वस्तु संरचना कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध कर चुके हैं। अब इसमें नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि रह रही है इसमें करने को, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। तो आज हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभिवृत्ति की परिभाषा हमने पहले की थी। इन सब चीजों की PDF मैं आपको, ये अभिवृत्ति टॉपिक आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स और बचे हैं इसके, कंप्लीट हो जाएगा, तो सबकी PDF एक ही साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि अलग अलग आपको डाउनलोड ना करना पड़े। तो एक ही पूरी PPT आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF के रूप में। तो बस शायद दो पार्ट और बनेंगे इसके या 3 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद आपको PDF इसकी पूरी मिल जाएगी हमारे सक्सेस मंच पेज पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये 2 लिंक ऐसे हैं जहाँ पर आपको हमारी PDF मिलेगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सक्सेस पंच पेज को लाइक करके उसके मेंबर बन सकते हैं। हमने परिभाषा देखी थी, उसके बाद हमने विशेषताएं की थी। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मनोवृत्ति की संरचना कैसे होती है हमने ये देखा था। फिर आधारभूत उसके ऊपर निष्कर्ष निकाले थे हम लोगों ने। हमने मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है ये देखा था, उसमें अनुवांशिक कारक होते हैं, वो कैसे डिपेंड करते हैं, मनोवृत्ति का प्रभाव डालते हैं, वो देखा था। और सामाजिक व्यक्ति कारक कैसे मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं वो देखा था। इसके बाद हमने मनोवृत्ति के कार्य देखे थे, वो क्या कार्य करती है। मनोवृत्ति की हानियां की थी हमने। मनोवृत्ति व व्यवहार में क्या संबंध है, क्या प्रभावित करने वाले इसके कारक कौन कौन से, ये सब किए थे। परिस्थितिगत बाधाएं कौन कौन सी होती है मनोवृत्ति के रास्ते में आने वाली। फिर मनोवृत्ति से जुड़े कौन कौन से और पक्ष होते हैं वो किया था। फिर इसमें एक समय कारक फैक्टर होता है वो हमने किया था। मनोवृत्ति और विचार में क्या संबंध है इस पर हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। विचारों पर मनोवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मनोवृत्ति का विचारों पर प्रभाव ये किया था हमने। और आज हम करने जा रहे हैं मनोवृत्ति परिवर्तन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी इंसान की मनोवृत्ति में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है ये हम देखेंगे। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके यूज़ करने पे या जिसके मनुष्य के व्यवहार में लाने पर मनोवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन का क्या मतलब होता है। एक होता है संगत परिवर्तन, एक होता है असंगत परिवर्तन। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन का मीन्स होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के प्रति सकारात्मक है, तो वो अगर और सकारात्मक हो जाती है तो उसे संगत परिवर्तन कहते हैं। यदि किसी चीज़ के प्रति उसकी मनोवृत्ति नकारात्मक है तो वो और नकारात्मक हो जाती है तो उसे संगत परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि प्लस से प्लस होना या माइनस से माइनस होना। बट असंगत परिवर्तन उसमें आता है, उस टर्म में हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी थिंग के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक है और वो नकारात्मक हो जाती है तो उसे असंगत परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह अगर किसी की मनोवृत्ति किसी चीज़ के प्रति नकारात्मक है और वो सकारात्मक हो जाती है तो उसे भी असंगत परिवर्तन कहते हैं। मीन्स प्लस से माइनस में होना, माइनस से प्लस में होना, इसे आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि परिवर्तन मनोवृत्ति में 2 तरह से होते हैं, एक संगत परिवर्तन और असंगत परिवर्तन। संगत परिवर्तन तो इजीली
कोई भी चीज जैसे संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है तो संगत परिवर्तन इजिली हो सकता है, लेकिन असंगत परिवर्तन करना बहुत ही हार्ड होता है। असंगत परिवर्तन तब होते हैं जब या तो मनोवृत्ति में असंगति हो या मनोवृत्ति उभयनिष्ठ हो, तब हम असंगत परिवर्तन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग या जिसके होने पर मनोवृत्ति में असंगत परिवर्तन या संगत परिवर्तन हो सकता है। वैसे हम मेन यहाँ बात करेंगे असंगत परिवर्तन की। मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो कैसे मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले संदर्भ समूह में परिवर्तन। अगर कोई एक पर्सन है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रह रहा है या पर्टिकुलर एक फैमिली में है और वो वहाँ से चेंज होके किसी दूसरी जगह चला जाता है या वो अपने ग्रुप को चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर असंगत परिवर्तन की हम मेनली बात करेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि किसी परंपरागत परिवार का कोई बच्चा है, कोई मतलब बहुत ही संस्कृति के मानने वाले परिवार का कोई बच्चा है, वो आता है शहर में पढ़ने के लिए या फिर JNU जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, तो उसका समूह चेंज हो गया। पहले वो परंपरागत परिवार में रहता था, परंपरागत समूह में रहता था, अब वो थोड़ा सा मॉडर्न समूह में आ गया है, तो उसकी सोच में चेंजेस आना लाजमी है, उसकी सोच में चेंज आ जाएगा। जैसे वो पहले सोचता था अब वो वैसा नहीं सोचेगा, अब उसका सोच का दायरा व्यापक हो जाएगा। और संदर्भ समूह में परिवर्तन होने से और उच्च शिक्षा पूरी करते करते उसकी मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन आ जाएगा, जैसे वो पहला था वैसे नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट होता है बाध्यकारी संपर्क, ये वाला सेकेंड पॉइंट, बाध्यकारी संपर्क। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को ऐसे व्यक्ति या समूह के साथ रहने पर विवश कर दिया जाए या बाध्य कर दिया जाए जिसके प्रति उसकी मनोवृत्ति जो है नकारात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में मनोवृत्ति नकारात्मक से सकारात्मक हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि अमेरिका में काले व गोरे बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिससे गोरे बच्चों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है कि उनके अंदर ये होता है, पहले उनकी काले बच्चों के प्रति मनोवृत्ति नकारात्मक होती है, तो जब साथ साथ उन लोगों को पढ़ाया जाता है तो उन लोगों की मनोवृत्ति में चेंज आता है, तो वो काले बच्चों के प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये वहाँ पे एक बाध्य था कि उन दोनों को साथ में पढ़ना था, इस वजह से उन लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट है अपेक्षित भूमिका निर्वाह, ये थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है किसी कार्य विशेष के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, तो अगर उसे ही वह कार्य करना पड़ जाए तो धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है या मानता है कि दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता, तो उसकी जगह उसको अगर उसका काम करना पड़ जाए तो उसकी मनोवृत्ति को बदला जा सकता है। इसमें एक बहुत ही इजी एग्जांपल देखूंगी जो कि हमारे भारतीय समाज में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक परंपरागत धारणा है हमारे भारतीय समाज में, विशेषकर गृहिणियों की स्थिति में ये चीज़ है कि औरतें काम नहीं करती, घर पर ही रहती हैं, घर पर मतलब कि उनको घर पर रहने का मतलब कि उनको कोई काम नहीं होता। और यदि इसी स्थिति में यदि पुरुषों को महिलाओं की भूमिका को अगर निभाकर देखा जाए, मतलब उन्हें कह दिया जाए कि आप लोग घर पर रहिए, आप लोग स्त्रियों का काम कीजिए, तो उनकी मनोवृत्ति में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अपेक्षित भूमिका निर्माण में ये एग्जांपल आप दे सकते हैं और इसी तरह के और बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। और मैं एक सर्वेक्षण आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे सर्वेक्षण सुन के, कि एक सर्वेक्षण के अनुसार गृहिणियां अपने कामकाजी पति की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 2 गुना काम करती हैं। ये एनालिसिस है, ये सर्वेक्षण है, तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि आप अपने आंसर में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक होता है कि बहुत व्यापक रूप से कारक प्रभावित करता है, जैसे कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग समान विषय पे, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमन सब्जेक्ट होता है उस पे अलग अलग राय रखते हैं अपनी, तो परंतु समय के साथ भी संस्कृति परिवर्तित हो जाती है और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देंगे, आज से 200 साल पहले सती प्रथा के
प्रति हमारी भारतीय समाज में सकारात्मक मनोवृत्ति थी, लेकिन आज के युग में अगर किसी से पूछा जाए तो कोई बहुत ही पर्टिकुलर ऐसा बंदा होगा जो इसके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रखता होगा। सबके अंदर इसके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति आ चुकी है। तो सांस्कृतिक कारक एक बहुत मेजर फैक्टर है मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए। और इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आता है तो भी उसकी संस्कृति में, उसके मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में परिवर्तन। अगर किसी इंसान के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो भी उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। बहुत गहराई से प्रभावित करता है किसी व्यक्तित्व का मनोवृत्ति में परिवर्तन होना। एक बार व्यक्तित्व के विकास हो जाने पर उस व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ भी उसी विकास के अनुसार विकसित होती रहती है। जैसे कि एक अंतर्मुखी कोई व्यक्ति है जिसे किसी समारोह में जाना नहीं पसंद है तो वो समारोह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखेगा। बट अगर उसके व्यक्तित्व में विकास हो जाता है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लेता है इस टाइप के, तो उसके अगर व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, चेंज हो जाता है, तो वो सकारात्मक मनोवृत्ति रखने लगेगा किसी समारोह में जाने के लिए। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है व्यक्तित्व में परिवर्तन का, मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक के रूप में। अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। अब मनोवृत्ति जो है वो हमारे संज्ञान पे डिपेंड करती है। हमें जितना ज्ञान प्राप्त होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी मनोवृत्ति में सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जितनी ज़्यादा सूचनाएँ हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति मिलती रहेगी उतनी ही हमारी सूचनाएँ विकसित होती रहेंगी या फिर उसके प्रति नकारात्मक और सकारात्मक रवैया हमारा बनता रहेगा। तो हमें सूचनाएं जैसी प्राप्त होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी मनोवृत्ति में नकारात्मक या सकारात्मक परिवर्तन होता रहेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रबोधक संप्रेषण। ये एक इम्पॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा सा अलग से करेंगे ये टॉपिक। मैं अभी यहाँ पर समझा देती हूँ कि मनोवृत्ति परिवर्तन का एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है जिसके द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन किया जा सकता है जानबूझ के। इसमें एक विशेष प्रकार का संप्रेषण या अभिव्यक्ति होती है जिसे किसी व्यक्ति या समूह की मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए किया जाता है। मतलब कि प्रबोधक संप्रेषण एक टर्म है जिसका यूज किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए हम लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं और कैसे ये होगा इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ये प्रॉपर एक सिलेबस में आपके दिया हुआ है प्रबोधक संप्रेषण, ये हमें अलग से करना पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज मैंने आपको पढ़ाया मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक, इसमें हमने 7 कारकों पे बात की और लास्ट वाला जो कारक है उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे की वीडियोज़ में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप हमारा PDF टेलीग्राम चैनल और हमारे सक्सेस मंथ पेज से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ख़त्म होता है हमारा अभिवृत्ति, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप इसी तरह हमारी और वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।